बच्चों, शहर से बहुत दूर एक बहुत घना जंगल था। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, मसलन शेर, भालू, चीता, बंदर, गीदड़, भेड़िया और बकरी वगैरह। बच्चों, इस जंगल में एक बकरी एक कोने में अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे थे, भूरी भूरी आंखें, नरम नरम खाल, मुन्ने मुन्ने सींग और बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग। बकरी अपने बच्चों को प्यार करने के साथ साथ उनकी देखभाल भी बहुत करती थी, क्योंकि जंगल में अच्छे जानवरों के साथ साथ बुरे जानवर भी रहते थे, मसलन भेड़िया वगैरह, जो हर वक्त इस कोशिश में रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो किस तरह इन नन्हे से मुन्ने से बच्चों को हड़प कर जाए। बकरी को भेड़िए की नीयत के बारे में मालूम था, इसलिए हर रोज बच्चों के लिए खाना लाने के लिए बाहर जाने से पहले वो उनको एक तस्वीर दिखाती। देखो बच्चों, ये है भेड़िए की तस्वीर। सारे जंगल में सबसे ज्यादा मक्कार और खतरनाक जानवर है, इससे बच के रहना, वरना ये मौका मिलते ही तुम सबको हड़प कर जाएगा। एक रोज का जिक्र है, जब बकरी बच्चों के लिए खाना ढूंढने घर से बाहर निकलने लगी तो उसने हर रोज की तरह अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मेरे जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और भेड़िए से बचकर रहना, शायद वो अपना होलिया बदलकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे, मगर तुम उसके बहकाने में मत आना और दरवाजा बिल्कुल न खोलना। याद रखो, उसकी आवाज बहुत भारी और पांव काले होते हैं। आप फिक्र न करें अम्मी, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। भारी आवाज और काले पांव वाले के लिए हम दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे। बकरी को जब ये सुनकर इत्मीनान हो गया तो वो खाना ढूंढने के लिए चली गई। बकरी जब नजरों से दूर चली गई तो झाड़ियों में छुपा हुआ भेड़िया निकला। आज मैं ऐसी तरकीब इस्तेमाल करूंगा कि इन बच्चों को दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। ये कहकर अपने होठों पर जबान फेरते हुए भेड़िया दरवाजे पर आ गया। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए क्या तोहफे लाई हूँ। तुम हमारी अम्मी नहीं हो, हमारी अम्मी की आवाज़ तो भारी नहीं बारीक है, तुम जरूर भेड़िए हो, जाओ हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िए की जब ये तरकीब नाकाम हो गई तो उसने सोचा, हकीम जी के पास चलना चाहिए। हकीम जी, हकीम जी, मेरे यहाँ पैसे आ गए भाई, खैरियत तो है? हकीम जी, मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी आवाज को बारीक कर दे। अच्छा, अभी देता हूँ, यहीं रहना, अंदर ना आओ, बच्चे डर जाएंगे। पीते ही तुम्हारी आवाज बिल्कुल बारीक हो जाएगी, अब मेरी जान नक्शी करो। भेड़िए ने दवा उसी वक्त पी ली और निहायत खुश खुश बकरी के घर की तरफ भागा। कौन है? अरे मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाई हूँ। बच्चों को इस बार भेड़िए की बारीक आवाज सुनकर यकीन हो गया कि उनकी अम्मी ही आ गई हैं। अभी वो दरवाजा खोलने ही जा रहे थे कि उनकी नजर भेड़िए के पांव पर पड़ गई, जो दरवाजे के सुराख में से नजर आ रही थी। तुम हमारी अम्मी नहीं हो, हमारी अम्मी के पांव काले नहीं गोरे हैं, तुम जरूर भेड़िए हो, चलो भाग जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िए की जब ये तरकीब भी नाकाम हो गई तो उसने सोचा, नानबाई के पास चलना चाहिए। बेचारा नानबाई तंदूर पर बैठा गर्म गर्म रोटियां लगा रहा था। भेड़ियों को देखते ही तो उसकी जान निकल गई। आप यहाँ कैसे आ गए? खैरियत तो है? भाई मेरे पांव पर चोट आ गई है, थोड़ा थोड़ा आटा जल्दी से दोनों पैरों पर लगा दो। अभी लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ। लीजिए लीजिए सरकार, लग गया, लग गया, दोनों पैरों पर लग गया, अब मेरी जान बख्शी कर दीजिए। भेड़िए ने अपने पैरों में आटा लगवाने के बाद एक बार फिर बकरी के बच्चों के घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। कौन है? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ। आवाज तो अम्मी जैसी ही बारीक है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले हमें इसके पैर जरूर दिख लेने चाहिए। हाँ, पहले खिड़की से हमें अपने पांव तो दिखाओ।
नो, देखो। भेड़िये ने अपने आटा लगे हुए पैर उठाकर खिड़की से दिखा दिए। पैर भी काले नहीं गोरे हैं, आवाज भी भारी नहीं बारीक है। आप दरवाजा खोल दे, अम्मी ही होंगी, आप जल्दी आ गई है शायद। हाँ। बच्चों का दरवाजा खोलना ही था कि तीनों मासूम बच्चों को एक दिमाग एक करके हड़प करके भेड़िये का जब पेट भर गया तो उसे सब नींद आने लगी। वो जमाइया लेता हुआ घर से बाहर निकला, थोड़ी ही दूर पर एक पीपल के दरख्त के नीचे टांग पर टांग रखकर सो गया और खर्राटे भरने लगा। थोड़ी ही देर बाद जब बकरी खाना लेकर घर वापस आई, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हैं। जब अंदर से कोई आवाज ना आई तो बकरी बहुत हैरान हुई। उसने दरवाजे को धक्का जो दिया तो वो खुद बहुत खुल गया। टिंकू, 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 अरे कहाँ हो तुम सर? अरे ये सारी चीजें क्यों बिखरी पड़ी है? ये आटा कहाँ से आ गया? और ये भेड़िये के पैर का निशान? कमबख्त भैया खा गया मेरे बच्चों को। रोते रोते यकायक बकरी ने सोचा, यहाँ बैठकर इस तरह रोने से क्या फायदा, चलकर देखना चाहिए, शायद उनके बचने की कोई सूरत निकल आए, और ना भी निकले तो कमबख्त भेड़िये से बदला तो लेना चाहिए ना। ये सोचकर बकरी अपने घर से भेड़िये की तलाश में निकल पड़ी। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि पीपल के दरख्त के नीचे वही भेड़िया उसको सोता हुआ मिल गया। भेड़िये को देखकर पहले तो बकरी को गुस्सा आ गया, उसे चाहा कि सींग उसके पेट में घुसा कर जान ही ले ले, मगर फिर वो हसरत भरी नजरों से उसका पेट देखने लगी। अचानक बकरी ने देखा कि भेड़िये के पेट में एक अजीब तरह की हरकत हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया जल्दी में तीनों को साली में निगल गया हो और मेरी बच्ची इसके पेट में बिल्कुल जिंदा सलामत हो? ये ख्याल आते ही बकरी ने दर्जी की दुकान की तरफ भागना शुरू कर दिया। भाई दर्जी, मुझे सुई और मजबूत धागा चाहिए। सुई धागे का क्या काम पड़ गया? ये ना पूछो, बस जल्दी से दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। सुई और धागा लेकर बकरी ने अब लोहार की दुकान की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे सींगों को तेज कर दो, बिल्कुल नुकीली बना दो। सींगों का क्या काम पड़ गया बकरी? ये ना पूछो ना, बस जल्दी से तेज कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अपने सींग तेज कराने के बाद बकरी ने पत्थर वाले की दुकान की तरफ भागना शुरू कर दिया। भाई पत्थर वाले, ओहो भाई पत्थर वाले, मुझे तीन बड़े बड़े पत्थर दे दो। पत्थरों का क्या काम पड़ गया अभी बकरी? ओहो ये ना पूछो, बस जल्दी से तीन पत्थर दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये लो। और बच्चों जब बकरी के तीनों काम हो गए तो उसने तेजी के साथ पीपल के दरख्त की तरफ भागना शुरू कर दिया। भेड़िया अभी तक उसी तरह मस्त सो रहा था। बकरी नहायत खामोशी के साथ भेड़िये के पेट के पास बैठ गई और अपने तीस नुकीले सींग से भेड़िये का पेट फाड़ डाला। भेड़िये का पेट फटते ही बकरी के तीनों बच्चे जिंदा सलामत उछल कर बाहर आ गए। खामोश, भेड़िया उठ जाएगा तो मैं इसे सजा नहीं दे सकूंगी। बच्चे खामोश हो गए तो बकरी ने अपने साथ लाए हुए तीनों पत्थर भेड़िये के पेट में डालकर उसके पेट को सुई और धागे की मदद से खूब अच्छी तरह से सी दिया। फिर बकरी और उसके बच्चे छुप कर भेड़िये का तमाशा देखने लगे। थोड़ी देर बाद भेड़िया नींद से उठा और अंगड़ाई लेते हुए कहने लगा, बहुत खा लिया, खूब सो लिया, अब तो प्यास लगने लगी है, चलो तालाब की तरफ चलना चाहिए। भेड़िये के पेट में तो पत्थर पड़े हुए थे, वो इतने भारी थे कि भेड़िया अच्छी तरह चल भी नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से वो तालाब तक पहुंचा। वो पानी पीने के लिए झुका ही था कि पत्थरों के बोझ से उसका सारा जिस्म बेकाब हो गया और औंधे मुंह तालाब में जा गिरा।
उसको फूट भाग कर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ और वो टूट कर मर गया। बच्चों ने जब देखा कि भेड़िया डूब कर मर गया तो उन्होंने खूब तालियां बजाई और खुशी से नाचने लगी। और पता है बच्चों, उन तीनों में जो सबसे शरारती बच्चा था उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मी पता है हमें आज पता चला कि आप इतनी चालाक भी हैं। उसके बाद बकरी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगी।